की कला जी पैर छुआए जाते हैं। कछु पति ऐसे कर्म करते हैं पत्नी के साथ जो सम्मान करने पे पत्नी मजबूर हो जाती है। हमने एक बार सरसागंज में की बात लगभग 8 साल पहले की हो गई है। ये भागवत सरसागंज के पास चल रही थी पतिया के नगरा में ब्लॉक प्रमुख जी के यहाँ पे। तो हमने कथा के विराम वाले दिन दिमाग में ऐसी बात आ गई तो मैंने बहुत लंबी भीड़ रहे माताएं बहनों की तो हमने सवाल कर दिया। हमने की ईमानदारी से बताना माताओं बहनों इतने लोग बैठे हो इतने लोगों में किन लोगों का रोज का नियम है जो अपने पति के पैर छूती हो। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाए। एक बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी रही उनने लाठी उठाई। काम गद्दी से ही समझ गए उन्हें कि लाठी को हमारी ढिगाना चली आया। और लाठी के सहारा से गद्दी के पास आए कि बोली लला जब आता काका तो है। हमने की माता जी हमने पूछा था हमने कितनी माताएं हैं जो पति के रोज पैर छूती हो। तुमने तो कह दिया कितनी माताएं हैं जो पति के पाए छूती हो। लेकिन एक बात हमें तो अच्छा बता होने की पूछो कि जो पति पाए छोरे लायक हुए ना काकू का करे। तो जो हकीकत बात है ये पैर छुआए जाते हैं। कछु पतियों की आदत होती पत्नी को सताने की। कछु मैंने ऐसे दुष्ट देखे समाजम बैठ के एक सत्यनाय कह पाते बाबा समाजम खड़े हो तो अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं। लेकिन पत्नी के आगे भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के समान रहते हैं। कछु पतियों की आदत होती पत्नी को सताने की। और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है व्यास जी ने भागवत में लिखा है गृहिणी गृह मुक्षते स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है उस घर से लक्ष्मी लाख कोस दूर भाग जाती है। एक लक्ष्मी है बिना की सेवा ना हो तो लक्ष्मी मैया का मरे आए के एक है भाई रो रो को भगत काट रही है। एक पति रहे पत्नी को रोज मारो करे रोज ऐसे होता है। संजा कटे तो सवेरो ना सवेरो कट जाए तो संजा ना पंचायत ही परी रात मम्मा रोज मारो करे। एक दिन वही पड़ोस ने बोली के तेरी पीठ लोहे की हो गई का ठुकती रात रोज। बेचारी हंस के बोली बहना का करे जीवन तो काट गई है ऐसो ढीट है बगर बात के बात तो है। पड़ोसन ने कही तो बात हो यही ना क्योंकि कावत काते ना लोग एक हाथ ताली बाने कही कछु गलती तेरी और रात है बाने कही बहना कोई गलती ना करे तऊ मारे। पड़ोस ने बोली तो एक काम कर आज तू मेरे घर जा हम तेरे घर जा रहे शाम तक तेरे आदमी अगर हमें मारे तो हम जान ले बगर बात की बात तो है। तब देखो बस सिखाए भी को गई और सीख बाय दे जो है सीख सुहाए। कच्चा चार्य की हिंदी की किताब में तुमने चिड़िया बंदर की कहानी पढ़ी होगी। एक बंदर बरसात के महीना में डाली पे बैठा भीग रहा था चिड़िया घोंसला में बैठी थी तो चिड़िया ने आवाज लगाई कि दादा मानव जैसे हाथ तेरे मानव जैसे पाए और तूने तो इंतजाम ना कर पाओ जो चौमासों को महीना कट जाते। तो बंदर जैसे उछल लगो इन ठंड के मारे मरे जाते ज्यादा गाल बजाते। बंदर ने छलांग मारी और चिड़िया को घर लो और घोंसला जमीन पे डाल दो जो कि ले तू बैठ ले। तो सीख पाए दे जैसे सीख सुहाए और सीख अगर बंदर को दे तो बनो घर। अब गई सुबह से शाम हो गई सारे घर को काम करो काऊ बात की कमी ना छोड़ी। शाम को रोटी बनाए गए खबाई अंधेरा हो गया तो दीपक जला दिया बीच आंगन में चारपाई डाली बिस्तर तकिया लगा दिया काऊ बात की कमी ना छोड़ी। अब मन ही मन में जो सोचे कितना झूठ बोल रही थी कि पति बगर बात के मात तो कितो बढ़िया जाको पति बगर बात के काम आ रहे रंजीत। तो काबो अपन निकले कपे घर चली दरवाजे पे नहीं पहुंच पाई बाने पलंग पे बैठ के आवाज लगाई हे महारानी
कहाँ जा रही हो? इतने आओ, पास में गई, बोलो अपने घर जा रहे हैं। तुम्हारी पत्नी ने हमसे कहा था हमारा पति बगैर बात के मारता है, और इसलिए हम तुम्हारे घर पे आज शाम तक रुकी हूँ। हम ये देखेंगे वास्तव में आदमी में गलती होती है कि महिलाओं में भी। बोलो जी उपदेश ना सुनाओ, हमें सीधी सीधी चबाताओ, खटिया डारेंगे तो बताओ चल नहीं। ये आकाश में छोटे छोटे चमकता है झिका है, मैंने कि जेवना जानता हूँ ये तारे है रुखा है। अच्छा, और एक गोल गोल चमक रहा है जे, बोले जी चंद्रमा है। देखा यो चबाताओ, देख सफेद सफेद रास्ता बन गई है, झका है, मैंने कि जो ना जानता हो हाथी की रखता है और रुका है। हाथी की रास्ता, हाँ, सोई भज के पलंग पे से उठो, कोने में लाठी टिकी धरी थी मैंने उठाई, सात लाठी टिकी जनता, हाथी के रास्ता के नीचे खटिया डालेंगे तू तो चंदा ही, और कहू हाथी ऊपर से गिरो तो हम आओ का होए। आदत होती है आदमी की सताने की, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। आए कीर्तन बोलने तब कथा में आगे।